Good morning, dear students. Welcome back in online class of science. Today we will start the topic the flower. In a previous class we have completed topic the leaf. है ना, यहाँ तक हमने complete किया था. अब हम start करेंगे the flowers के बारे में कि flowers क्या होता है. Flowers के students बहुत सारे क्या होते हैं, functioning होते हैं. उनमें क्या होता है, fruits भी बनाते हैं, सीड्स में भी कन्वर्ट होते हैं. फिर उसके अलावा पोलिनेशन जो प्रोसीजर होता है वो भी उनमें कैरी होता है. और फ्लावर्स जो होता है ना उसी के अंदर क्या होता है, इसके प्लांट्स के मेल और फीमेल पार्ट्स भी फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, उसी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. हम पूरे फ्लावर्स को देखेंगे कि फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनके वर्किंग क्या होती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉक अबाउट द पेडिकल्स. पेडिकल किसको बोलते हैं, पेडिकल वो पार्ट्स होता है प्लांट्स फ्लावर्स का जो स्टेम से जॉइंट होता है. किससे जॉइंट होगा, स्टेम से. फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, एक स्टेम है और स्टेम के पास से यहाँ से क्या निकलता है, फ्लावर जैसे जो शेप्स वहाँ से फॉर्म्ड होता है. तो मतलब स्टेम से जॉइंट जो पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेडिकल. फिर पेडिकल के जस्ट अपर पार्ट्स के ऊपर वहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, अपर मोस्ट पार्ट्स में यहाँ पर स्ट्रक्चर पर क्या फॉर्म्ड होता है, थैलमस. क्या बोलेंगे उसे हम, थैलमस. और थैलमस के ऊपर से ही ये एक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के फॉर्म होते हैं, ग्रीन कलर की लीव्स. आप लोगों ने फ्लावर्स आप सभी ने देखा होगा. हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम रोज प्लांट लेते हैं ना, रोज का फ्लावर जब हम देखते हैं तो उसके नीचे ग्रीन कलर की, पहले तो उसके नीचे एक स्टेम्स होती है, उसके नीचे वहां पर एक स्वेलिंग अपर मोस्ट पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, थैलमस बोलते हैं. फिर वहीं से ग्रीन कलर के क्या होते हैं, लीव्स निकलती है. तो उन्हें क्या बोलते हैं, सेपल. क्या बोलेंगे उन्हें हम, सेपल्स बोलेंगे. ठीक है, अब उसके अलावा कितने पार्ट्स हो गए, ये हमारे पेडिकल हो गया, इसे हम पेडिये वाले पार्ट्स को हम पेडिकल्स बोलेंगे. उसके बाद में ये जो ग्रीन वाली लीव्स का पार्ट्स होगा उसे हम सेपल्स बोलेंगे. फिर यहाँ से एक स्वेलिंग पार्ट्स होगा जहाँ से क्या अराइज होंगे, सेपल अराइज होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, थैलमस. और उसके अलावा जो हमारी जो लीव्स होती है ना, जो जैसे रोज की लीव्स होती है और पिंक इन कलर की होती है, जो गेंदे का फूल होता है उसमें ऑरेंज कलर की लीव्स होती है, जो मोगरे का प्लांट्स होता है उसकी वाइट कलर की लीव्स होती है. तो उन पूरे लीव्स को जो कलरफुल जो होता है, जो अट्रैक्टिव पार्ट्स होगा प्लांट्स का कलरफुली, उस पूरे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स. क्या बोलेंगे, पेटल्स. जैसे ये पूरा, जैसे ये मैंने यहाँ पे फ्लावर्स का डायग्राम बनाया है. अब इस फ्लावर के डायग्राम के अंदर ये जितने भी ये पूरे पार्ट्स है ये क्या है, हमारे पेटल्स है ना. जो लीव्स होती है ना, जो सेपरेट एक 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 हम लीव्स क्या करते हैं, अलग अलग करके रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पेटल्स हो जाते हैं. ठीक है, ये इतना पार्ट्स आप लोगों ने स्टडी किया. फिर से मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फ्लावर्स के इस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, पेडिकल्स. फ्लावर के जस्ट ऊपर जो स्वेलिंग पार्ट होगा, उसके अपर मोस्ट पार्ट जो होगा उसे हम बोलेंगे थैलमस. फिर थैलमस से जस्ट अराइज होते हैं ये ग्रीन कलर के जो लीव्स होती है, जो फ्लावर्स के जो नीचे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे. ठीक है, और पेडिकल किससे अटैच होता है, किससे जॉइंट होगा, हमारे स्टेम से. फिर उसके बाद में जो फ्लावर्स के जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, जो कलरफुल लीव्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे. ठीक है, अब इसी ही फ्लावर्स के अंदर स्टूडेंट्स फीस का प्लांट का मेल एंड फीमेल पार्ट्स भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसी में. अब फीमेल्स जो इसके अंदर जो मेल पार्ट्स होता है ये लाइक दैट इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, ये इस तरीके से. ठीक है, तो ये जो पार्ट्स होता है ना, ये वाले पार्ट्स को ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कहाँ से है, इससे अटैच है, यहाँ से अंदर से पूरा. तो ये वाले पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स. क्या बोलेंगे, फिलामेंट. और ये वाला जो पार्ट्स होता है ना, इतना पार्ट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथर. क्या बोलेंगे, एंथर. और ये पूरे ही पार्ट्स को एक साथ पूरे कंबाइंड पार्ट्स को हम बोलेंगे स्टेमन. क्या बोलेंगे, स्टेमन. इनमें क्या होता है, ये जो ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो किससे अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे इसके एंथर के ऊपर स्टिक हो जाते हैं ना. ये क्या होता है, पूरा क्या है, मेल पार्ट्स है. मेल पार्ट्स क्या है इसका, मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ. ये इस तरीके से ये जो पार्ट्स है ये क्या हो गया पूरा, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट्स है उसे हम क्या बोलेंगे, एंथर. और ये हो गया फिलामेंट है ना, और ये पूरा कौन सा है, मेल पार्ट है, किसका है,
फ्लावर्स के मेल पार्ट्स हो गए। अब उसके बाद में हम बाद में स्टडी करते हैं फीमेल पार्ट्स के बारे में। तो फीमेल पार्ट्स जो होता है वो कैसे होगा, फीमेल पार्ट्स जो होता है फ्लावर्स के बीच में अराइज होता है। ये वाले जो फ्लावर्स के जो सेंटर से जो पार्ट्स निकलता है वो क्या होता है, फ्लावर्स का फीमेल पार्ट्स होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लास्क लाइक शेप्ड होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल, या ये पूरे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैं आप लोगों को अलग से सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे बता देती हूँ, इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कार्पल। किसे कार्पल बोलेंगे। इसके अलावा इसके भी अब क्या होंगे, थ्री पार्ट्स होंगे, है ना। तो ये थ्री पार्ट्स कौन कौन से होंगे, जो सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, ठीक है। और उसके बाद में जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। और उसके बाद में जो लास्ट में जो स्वेलिंग पार्ट्स होता है, ये वाला जो पार्ट्स होगा स्वेलिंग पार्ट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, ओवरी। अब मैं आप लोगों को इसमें सेपरेट दिखाती हूँ कि ये वाला जो पार्ट्स हो गया हमारा क्या हो गया, स्टिग्मा। ये वाला पार्ट जो है कि ट्यूब वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया हमारा, स्टाइल। और ये जो स्वेलिंग पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आया, ये मैंने आप लोगों को पूरे फ्लावर्स के बारे में बताया है कि फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स के नेम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है हमारा पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं किसे, एंथर टू स्टिग्मा। एंथर किसके कौन से पार्ट्स में था, मेल पार्ट्स के, और स्टिग्मा कौन से पार्ट में था, फीमेल पार्ट में। यहाँ पे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी पोलन ग्रेन्स कहाँ स्टिक होंगे, यहाँ एंथर के ऊपर स्टिक होंगे। और जैसे ही हवा चलेगी या कोई भी जैसे इंसेक्ट्स होता है जैसे बटरफ्लाई हुआ, वो क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे फ्लावर्स के ऊपर आकर के बैठते हैं तो इसके जो एंथर होते हैं ना वो पूरा कहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब एक किसी फ्लावर से। फॉर एग्जाम्पल किसा है, एक रोज़ प्लांट लगा हुआ है ना, रोज़ प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे क्या हुए, रोज़ फ्लावर्स हैं। उन्हीं फ्लावर्स के ऊपर क्या होगा कि जैसे एंथर के ऊपर क्या होगा, जैसे वो एक जो बटरफ्लाई होती है पहले कौन से फ्लावर के ऊपर बैठेगी, फर्स्ट वाले फ्लावर के ऊपर बैठ के आती है। तो जैसे ही वो बटरफ्लाई उसके ऊपर बैठती है तो बटरफ्लाई की बॉडी के ऊपर ये एंथर जो होते हैं वो उसी फर्स्ट फ्लावर से क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। फिर वो बटरफ्लाई क्या करती है, दूसरे फ्लावर्स के पास जब जाती है तो वो जो एंथर जो बटरफ्लाई की बॉडी के ऊपर जो स्टिक किए हुए होते हैं वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, उस दूसरे फ्लावर के ऊपर। तो दूसरे फ्लावर के ऊपर से क्या होता है, एंथर का जो ये मेल पार्ट का जो एंथर होता है वो क्या करता है, उन्हें स्टिक कर लेता है। जैसे ही वहां पे लगते तो फिर जैसे हवा के थ्रू या बटरफ्लाइज के थ्रू यही जो पोलन ग्रेन होते हैं किसके ऊपर ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा के पास। और जैसे स्टिग्मा के पास ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ये क्या करते हैं, ये पोलन ग्रेन्स कहाँ शिफ्ट होते हैं, स्टाइल्स के पास। स्टाइल के कौन सा पार्ट्स है, फीमेल पार्ट्स। ये स्टाइल्स से होते हुए यहाँ पर फाइनली ओवरी तक ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ तक फॉर्म्ड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर होता है रिप्रोडक्शन, जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ अकर्स होता है, ओवरी के अंदर। फिर एट द लास्ट फिर क्या होता है, ये इतना प्रोसीजर होने के बाद में फिर उसके बाद में जो आफ्टर पोलिनेशन, पूरा पोलिनेशन का प्रोसीजर होने के बाद में ओवरी जो होती है, ये जो ओवरी है ये किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। और इसी के अंदर ओवरी के अंदर ही क्या कौन सा पार्ट्स प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स। कौन सा होगा, ये वाला ओव्यूल्स पार्ट्स प्रेजेंट होगा, जिसपे इसकी स्पेलिंग में लिख के बताती हूँ आप लोगों को, ओव्यूल्स, है ना। तो ये ओव्यूल्स जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। किस में हो जाएगा, बीज बन जाएगा। जैसे आप कोई फ्रूट खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का फ्रूट है ना, एप्पल का जो वो फ्रूट वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है हमारा, ओवरी वाला पार्ट। और जो बीज उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो ओव्यूल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, हमारे सीड्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये जो यहाँ तक जो ये पॉलिनेशन वाला प्रोसीजर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, फ्लावर्स का भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि फ्लावर्स क्या है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, उसके बाद में इसमें पॉलिनेशन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से अकर्स होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ, और आप लोगों के चैप्टर्स क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। ओके बाय, ज़्यादा